शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई है। बैठक में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट में मोहर लगी है। सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने भू राजस्व संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे लोगों को नामांकन, सीमांकन और डायवर्जन के कामों में सहूलियत मिलेगी। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के मुताबिक भू स्वामी बटाईदार कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 5 साल का बटाईदार के लिए जमीन दी जाएगी। दोनों पक्ष एक शपथ पत्र देकर समझौता कर जमीन दे सकते हैं। ये शपथ पत्र तहसीलदार को 5 साल तक जमीन मालिक नहीं हटा सकता। इस तरह की जो बातें हैं वो इस एग्रीमेंट में होंगी। बटाईदार को मुआवजा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ इस आधार पर मिल सकेगा। तेईस जून को माननीय प्रधानमंत्री जी राजगढ़ जिले में सिंचाई योजना मोहनपुरा का उद्घाटन करेंगे। सभी गांवों से कलश यात्रा, जल यात्राएं निकलेंगी। चलिए 23 तारीख से ये विकास पखवाड़ा शुरू होगा। बंडा सिंचाई परियोजना, जिसका कुल सिंचाई रकबा 80,000 हेक्टर है, जिसकी के लिए ₹2,610.54 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। 55 करोड़ रुपए की अनुमति शिक्षक शिक्षा योजना और एक दूसरी योजना भी, एक शिक्षक शिक्षा योजना की जो डाइट में चलती थी उसको भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मातृवंदना योजना भी आज स्वीकृत की गई। अभी तक भूमि स्वामी जीवन काल में भूमि का बंटवारा नहीं कर सकता था। आज हमने संशोधन कर दिया है कि अपने जीवन काल में ही वो चाहेगा तो अपने लिए भी भूमि बचाकर और बाकी अपने पुत्र पुत्रियों को जो बांटना चाहेगा वो कर सकेगा। डायवर्सन के लिए अब आदमी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो वो डायवर्सन करना चाहता है वही लैंड यूज है। तो एक सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन और जो उसका रेट है उसका कैलकुलेशन खुद करके ऑनलाइन पैसा जमा कर देगा और जमा करने की रसीद डायवर्सन का प्रमाण माना जाएगा। जैसे गाँव में पटवारी हल्का होता है वैसे शहरी क्षेत्रों में अब हम सेक्टर और ब्लॉक की प्रणाली शुरू कर रहे हैं। आबादी भूमि में विधिपूर्वक जो निवास कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, पुश्तैनी है, उस व्यक्ति को अब भूमि स्वामी का अधिकार दिया जाएगा। अभी तक हमें देखते थे कि जो मालिक है वो किसी को बटाई पर देने में घबराता था। अब अपने उसको स्पष्ट कर दिया है। सादे कागज पर दोनों पक्ष के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि अगर कभी विवाद हो तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से तहसीलदार फैसला करेगा। ऐसे इन करीब 122 धाराओं में हमने संशोधन किए हैं।